गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे के ऊपर। व्हाट इज़ एन एरे? एरे इज अ डिराइव डाटा टाइप। एरे एक डिराइव्ड डाटा टाइप है जो कि फंडामेंटल टाइप्स जो हमारी पहले बेसिक टाइप्स हैं उनमें से डिराइव होके आई है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप दैट आर रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम। इसमें वेरिएबल्स का ये कलेक्शन है ऑफ द सेम टाइप। इसमें सेम ही डाटा टाइप लगती है। जैसे अब हमने मार्क्स स्टोर करने हैं स्टूडेंट्स के, 10 स्टूडेंट्स के, तो हम लगाएंगे इंट डाटा टाइप मार्क्स, ये एरे नेम है, और सबस्क्रिप्ट, इसमें हम स्टोर करेंगे 10। मींस 10 स्टूडेंट्स के जो हमने मार्क्स हैं वो इसमें स्टोर करने हैं। ये है हमारा एरे का नेम, ये है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट डिफाइन करते हैं कि हमने कितने एलिमेंट्स बीच में एरे में स्टोर करने हैं। ठीक है, थर्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस। ये जो डाटा है वो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर करता है। मींस जैसे अगर हमने मार्क, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, अगर ये 100th लोकेशन पे स्टोर करेगा तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो उसकी नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर करेगा। जैसे अगर हम इंट डाटा टाइप ले रहे हैं तो ये 2 bytes का डाटा लेता है, तो 2 bytes मतलब 102th लोकेशन पे ये नेक्स्ट डाटा स्टोर करेगा। ठीक है, जो इंट डाटा टाइप है ये 2 bytes लेता है, एक एलिमेंट 2 bytes लेता है स्टोर होने के लिए। ठीक है, थर्ड लोएस्ट एड्रेस कॉरस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट एलिमेंट। जो लोएस्ट एड्रेस है मतलब कि जो इंट मार्क 0 है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करेगा, और इंट मार्क 9। ठीक है, लास्ट एलिमेंट होगा इंट मार्क 9, ये स्टोर करेगा लास्ट एलिमेंट। ठीक है, लास्ट एलिमेंट स्टोर्ड होगा इंट मार्क 9। ठीक है, कैन हैव डाटा आइटम्स ऑफ टाइप। इसमें कौन कौन से डाटा टाइप्स हम लगा सकते हैं? इंट टाइप, करेक्टर, फ्लोट, और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नीड फॉर एन एरे टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए ऑफ द सेम टाइप। ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम टू स्टोर मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑफ 100 सेल्समैन। इन दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं एरे का। टाइप्स ऑफ एरे, एरे कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं? एक होते सिंगल डायमेंशनल एरे, एक होता मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे वो होता है जिसमें हम सिंगल सबस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसका सिंटेक्स दिया है, टाइप एरे नेम साइज। ठीक है, इसमें हम सिंगल सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड कैन बी ऑफ इंटीजर वैल्यू विदाउट द साइन। ये उसका सिंटेक्स दिया है एरे का। नेक्स्ट है, हमने अगर जैसे क्रिएट करना है एरे तो हम कैसे करेंगे? पहले हम void main, main फंक्शन लगा के उसमें हम ये डिफाइन किया हुआ int a10, मतलब हमने 10 कोई भी वैल्यूज को स्टोर करना है, तो हम a उसका नेम है एरे का, और उसमें हमने 10 एलिमेंट्स को स्टोर करना है। ये उसकी डाटा टाइप, रिटर्न डाटा टाइप ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेम डाटा टाइप के ही स्टोर करेगा ये। ठीक है, ये वाली हमने एग्जांपल नहीं करनी, ये C++ की है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। देखो, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ये दिखा रहा है फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट डाटा टाइप की। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप 4 bytes का डाटा लेता है, एक एलिमेंट 4 bytes ऑफ डाटा लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर इसमें 5 elements हमने स्टोर करने, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे 0। ठीक है, ये 5000 लोकेशन पे स्टोर करेगा डाटा को। नेक्स्ट होगा एरे 1, ये 504th लोकेशन पे, क्योंकि हर एक एलिमेंट 4 bytes ऑफ डाटा लेता है। ठीक है, अगर हमें टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट करनी है, तो हम साइज़ ऑफ टाइप, डाटा टाइप का कितना साइज़ है, जैसे फ्लोट का 4 bytes ऑफ डाटा लेता है, करेक्टर 1 byte ऑफ डाटा लेता है, और इंटीजर 2 bytes ऑफ डाटा लेता है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है विद द साइज़ ऑफ एरे। ठीक है, साइज़ ऑफ एरे क्या है? 5। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारी रिक्वायर मेमोरी आ गई 20 bytes की। ठीक है, एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है? ठीक है, डाटा टाइप, एरे नेम और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और अगर उसको उसके सारे एलिमेंट्स को डिक्लेयर करना है तो वो इस फॉर्म में इज इक्वल टू, फिर उसके बाद ब्रैकेट डाल के सारे एलिमेंट्स को हमने डिफाइन कर देना, और एंड पे सेमी कोलन।
अनसाइज्ड एरे इनिशियलाइजेशन, अगर हमने कोई साइज़ नहीं डिफाइन करना तो वो कितने भी एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है. कैन स्किप द साइज ऑफ एन एरे इन एरे इनिशियलाइजेशन. एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी एडेड और रिमूव विदाउट चेंजिंग एरे डायमेंशन. फिर हमें एरे के डायमेंशंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कितने भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सी पॉइंटर्स. पॉइंटर्स इन अ सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. सी पॉइंटर्स बाद में करते हैं, पहले आता है मल्टी डायमेंशनल एरेज. मल्टी डायमेंशनल एरे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज मल्टी डायमेंशनल एरे. इसमें हम मल्टीपल सब्सक्रिप्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल सब्सक्रिप्ट्स लगा सकते हैं. जैसे यहाँ पे गिवन है, ठीक है, डाटा टाइप, एरे नेम और ये सब्सक्रिप्ट्स दिए. ठीक है, मल्टीपल सब्सक्रिप्ट्स यूज़ कर सकते हैं. अगर थ्री डायमेंशनल एरे का यूज़ करना है तो थ्री सब्सक्रिप्ट्स यूज़ करेंगे. अगर टू डायमेंशनल एरे का यूज़ करना है तो टू सब्सक्रिप्ट्स को यूज़ करेंगे. ठीक है, ये एक टू डायमेंशनल एरे की एग्जांपल दी हुई है. ठीक है, जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट होता है वो बताता है नंबर ऑफ रोज, और जो सेकेंड सब्सक्रिप्ट होता है वो बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो यहाँ पर अगर फोर कॉलम्स दिए हैं, फोर, देखो ये एग्जांपल दी हुई है इंट थ्री फोर की, इंट कुछ भी नेम ले लो, थ्री फोर, इसमें थ्री रोज हैं और फोर कॉलम्स हैं. ठीक है, अगर इसको इनिशियलाइज करना है एरे को, तो हम ऐसे इंट ए थ्री फोर थ्री रोज बना लेंगे और उसमें चार चार वैल्यूज़ कॉलम्स बना लेंगे. ठीक है, ऐसे इनिशियलाइजेशन होगी मल्टी डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे की. ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इन दिस वे ऑल्सो. अगर हमें असेस करना है कोई भी टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को, तो हम पहले उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए. ठीक है, ए टू थ्री, फिर उसके बाद उसको चेंज करना है, कुछ भी ऐड करना, डिलीट करना तो हम कर सकते हैं. ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट जो है वो इंट ए टू थ्री, तो ये फोर्थ एलिमेंट लेगा थर्ड रो से. ठीक है, ये डिफाइन करते हैं थर्ड रो, क्योंकि ये सब्सक्रिप्ट ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़ीरो वन टू थ्री, तो ये थर्ड रो लेगा और फोर्थ कॉलम लेगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सी पॉइंटर्स. सी पॉइंटर्स क्या होता है? पॉइंटर इन अ सी लैंग्वेज इज़ अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. पॉइंटर्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ कोई भी वेरिएबल, किसी भी टाइप का हो सकता है, इंट, करैक्टर, एरे, फंक्शन. ठीक है, कोई भी पॉइंटर भी हो सकता है, पॉइंटर का भी ये एड्रेस स्टोर कर सकता है. साइज़ ऑफ पॉइंटर डिपेंड्स अपॉन आर्किटेक्चर. पॉइंटर का जो साइज़ है वो आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है. जैसे 32 बिट आर्किटेक्चर का जो पॉइंटर का साइज़ होता है वो 2 बाइट्स का होता है. ठीक है, जैसे हमारी अब यहाँ पे वैल्यू है इंट एन इज इक्वल टू 10. ठीक है, अब ये 10 वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड होगी, किसी एड्रेस पे स्टोर्ड होगी. वही एड्रेस हम ठीक है, यहाँ पे एड्रेस वेरिएबल भी लगा है. ये एड्रेस वेरिएबल होता है एंड एम्परसेंट एन. ठीक है, ये जो एम्परसेंट होता है, ये जो साइन है, दिस डिफाइंस एम्परसेंट ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर. ठीक है, ये एम्परसेंट लगा, ये इसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं. इसमें एन का जो एड्रेस है वो स्टोर्ड होगा. अब कहाँ पे स्टोर्ड होगा? स्टार पी पे. ये हमारा पॉइंटर है. ठीक है, पॉइंटर वो वेरिएबल होता है जिसमें हम एड्रेस को स्टोर करते हैं. ये एड्रेस को स्टोर करने के लिए ही यूज़ होता है. और ये जो होता है एम्परसेंट, ये एड्रेस ऑपरेटर होता है. ये बताता है कि ये एन जो है किस वैल्यू पे, किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे गिवन है 50 वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल की एलिमेंट है 50. ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू 50, वो FF4 पे स्टोर्ड है ना. यहाँ पे गिवन है मेमोरी लोकेशन FF4, तो ये FF4 जो होगा वो हमें बताएगा पॉइंटर कि पॉइंटर में जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो इस मेमोरी लोकेशन की होगी. ठीक है, ये 50 वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड है? FF4 पे. ठीक है, FF4 कहाँ पे स्टोर्ड है? P वैल्यू में. ठीक है, तो हमें P वैल्यू बताएगी कि ये इसका एड्रेस क्या है, इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है.
ठीक है, जैसे वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल इज 50 बट द एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल पी इज AA3। ठीक है, एड्रेस जो आगे पॉइंटर वेरिएबल पी का एड्रेस क्या है AA3, लेकिन जो हम पॉइंटर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेंगे वो FF4 करेंगे, इस वेरिएबल का एड्रेस। ठीक है, हम इसको, ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स, एक होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक यूज़र डिफाइंड टाइप है, ठीक है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। इसमें हम वेरिएबल्स का ये कलेक्शन है, जैसे एरे कलेक्शन है वेरिएबल्स का, सिमिलरली स्ट्रक्चर भी कलेक्शन है, बट इसमें हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एरे में तो हम सिमिलर डाटा टाइप यूज़ करेंगे ना, अगर मार्क्स स्टोर करने हैं इंट तो इंट ही लगेगा, करेक्टर स्टोर करने तो करेक्टर ही लगेगा, लेकिन हम इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की एग्जांपल दी है, स्ट्रक्ट पर्सन, तो इसमें हमने करैक्टर भी स्टोर किया, इंट भी स्टोर किया, फ्लोट भी स्टोर किया, तीन डाटा टाइप्स का हम यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, सी पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर, सी पॉइंटर्स, अब हम पॉइंटर्स को स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइंड है, तो हमने उसके बाद पहले हमने स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया इंट मेन, उसमें हमने स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर जो पॉइंटर है वो स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डालना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे करेंगे इसको कंटिन्यू।